मैं अब डॉक्टर हलीमा सादिया साहिबा से गुजारिश करूंगा कि आप अपना माइक अनम्यूट करें और इस सेशन का आगाज करें। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं आपको कि आजकल जो स्कूल का सीन है, वो स्कूल का सीन ये है कि स्कूल की बिल्डिंग तो एक तरफ है, उसके दूसरी तरफ एक टीचर है और तीसरी तरफ बच्चा है जो अपने माँ और बाप दोनों के दरमियान मौजूद है। दरअसल यहाँ पे वो प्रेजेंटेशन दिखाने की गुंजाइश नहीं है, वरना मैं आपको प्रेजेंटेशन दिखा देती तो ज्यादा अच्छी तरह से समझ में आ सकता था। बिकॉज ही वॉज सिंस बिगिनिंग ही वॉज इन द हैबिट ऑफ लाइक गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड देन ड्रेसिंग अप एंड देन गोइंग टू द स्कूल इन द बस देन एंजॉयिंग विद द फ्रेंड्स एंड हैविंग गला टाइम एंड फन टाइम एंड ड्यूरिंग दोज फन ही यूज्ड टू लर्न अ फ्यू थिंग्स। बट हियर नाउ द सिचुएशन इज एंटायरली डिफरेंट। वो गाना भी बहुत मशहूर था ना, हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने लिखा था, सवेरे सवेरे यारों से मिलने स्कूल चले हम। तो देखिए कि जो मकसद था स्कूल जाने का, वो पढ़ाई तो थी ही, वो तो प्राइम है, लेकिन उसके साथ साथ एक और मकसद क्या था कि यारों से मिलने, यानी दोस्तों से मिलना, सोशलाइजेशन करना, उनके साथ वो अपने थॉट्स शेयर करना, अपने आइडियाज शेयर करना, अपने एक्सपीरियंस शेयर करना। ये एक ऐसा चार्म था जिसमें बच्चे बहुत ज्यादा इन्वॉल्व भी होते थे और खुशी महसूस करते थे, साथ शैडो की तरह रहते थे। मतलब जहां बच्चा जा रहा है, जो एक्टिविटी कर रहा है, जो लेसन पढ़ रहा है, वो सब वो पेरेंट्स साथ साथ, वो माँ या बाप जो भी है वहां पे, वो साथ साथ करते थे। और इस तरह चूंकि बच्चा मेन पूरी क्लास में गुम ना हो जाए, क्योंकि दूसरे बच्चे जो के जिनके अंदर कोई स्पेशलिटी नहीं है, जिनके अंदर किसी किस्म की कोई का कोई इश्यू नहीं है, वो चीजों को फास्ट कर लेते हैं और इन बच्चों को थोड़ा वक्त ज्यादा लगता है। लेकिन इन्हें मेन क्लास में इसलिए रखा जाता है ताकि वो मेन क्लास में दूसरे जो बच्चे हैं जिनका एबिलिटी लेवल नॉर्मल है, उनके साथ रह करके ये ज्यादा आसानी से आगे बढ़ सके। इसलिए इनको रखा तो जाता है उसी क्लास में जो सारे नॉर्मल बच्चों की क्लास होती है, लेकिन साथ में इस बच्चे के साथ एक शैडो टीचर लगा दिया जाता है, जिसमें के खास तौर से बच्चे की माँ से ये उम्मीद की जाती है कि वो एज ए शैडो टीचर उस बच्चे के साथ रहे। और शैडो टीचर के लिए बाकायदा उनको ट्रेनिंग भी दी जाती है और वो क्वालिफाई करती है अगर उस ट्रेनिंग को, उसके बाद ही वो शैडो टीचर हो सकती है। तो दिस इज द लाइक सेकेंड टाइप ऑफ रोल ऑफ अ पेरेंट टीचर। उसके बाद फिर अगर हम और आगे चले और आगे बात करें, तो देयर वॉज अ कॉन्सेप्ट ऑफ लाइक स्कूल ऑफ द फ्यूचर एंड बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी आई गॉट द अपॉर्चुनिटी टू विजिट दिस स्कूल ऑफ द फ्यूचर इन ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया along with 29 other principals. I was also one of them. So we went and we visited that school. So that school is like any other school. They have huge building, they have all the facilities, they have the laboratories, they have experimental labs, everything they have. The only thing is that their classrooms are just like cubicles. They don't have big classrooms where 30 or 25 children should sit. They have just a cubicle classrooms where the teacher is sitting there with a big screen, and the teacher used to teach there inside that that classroom, and the children are sitting in their houses and there they are learning. So this school has gained lots of fame because and lots of appreciation from the parents, because this serves a very critical need of the parent, especially for those children who are on the medication. They cannot be there in the school for 6 hours or 8 hours. So for those parents, this school is giving like full school environment, and the children are called to the school only once in a month, where they have to use the laboratory or they have to conduct some activities, or there are some special lectures are there, or some other activities are there. So for that reason, they are called once in a month in the school. Otherwise, full month they are there at home, and early morning their classes starts as usual as other schools. They start early morning and it goes till 1:30 or 2 o'clock, and they cover all the subjects as they used to do in their classrooms. So this is the school of the future. It's already running very successfully, and they have more crowd than the other schools, regular schools. And fortunately, I got the opportunity to interview to one of the mother who was sitting there. तो मैंने पूछा कि इन्होंने तो जो मैनेजमेंट है उन्होंने तो हमें एक्सप्लेन कर दिया बहुत अच्छे तरीके से कि ये स्कूल कैसे काम करता है और स्कूल के क्या फायदे हैं और इसमें हमने क्या क्या फैसिलिटीज रखी है। एंड यू विल नॉट बिलीव दैट एंटायर स्कूल वाज सो डेकोरेटेड विद द वर्क ऑफ चिल्ड्रन। दैट वाज द ब्यूटी
even the children, they don't come to the school, but their work was displayed everywhere on the walls. Then I asked them that how it's possible children are not coming to the school, but their work is displayed everywhere. So then they said that online they asked them to send their work, like if they have been given to make any chart. So they make the chart, they scan the chart and send to the school, and the school get it printed and then display in the school. So in this way, all their work, their assignments, their projects, whatever they do, everything was displayed there on the walls. So then I asked the mother and maine usse pucha ki dekhiye आपने ये स्कूल क्यों ऑप्ट किया, आपने एक रेगुलर स्कूल क्यों नहीं ऑप्ट किया जहाँ बच्चा आपका रोज जाता. तो उस मदर ने ये बताया हमें कि उसके दो बच्चे हैं, एक तो सेहतमंद बच्चा है, लेकिन जो दूसरा बच्चा है उसे डॉक्टर ने ये कहा है कि हर 3-3 घंटे पे एक दवा दी जाएगी. तो जाहिर सी बात है अगर वो स्कूल भेजेंगे तो हर 3-3 घंटे पे दवा देने के लिए मुमकिन है कि टीचर्स इतने ज्यादा अलर्ट ना रहें, क्योंकि उनके पास बहुत बच्चे होते हैं क्लासरूम में और भी दूसरी बहुत सी एक्टिविटीज होती हैं. तो फिर उन्होंने कहा कि अगर मैं ऐसा करूंगी तो उसकी दवाएं मिस हो जाएंगी, जो कि बहुत एसेंशियल है उसके लिए कोई ऐसी बीमारी थी कि जिसके लिए उसको हर 3 घंटे पे दवा खाना जरूरी था, और ये बहुत लॉन्ग मतलब कई सालों तक चलने वाला था. तो फिर उन्होंने कहा कि जब हमने एक बच्चे का कराया और हमने देखा कि उस बच्चे की अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट, उसका कॉन्सेप्ट क्लियरेंस और उसके उसका हैप्पीनेस लेवल, उसका सेटिस्फैक्शन लेवल, उसे लगा कि हमारा जो दूसरा बच्चा जो मतलब बहुत ज्यादा मकबूल भी हो रहा था. Then इसके अलावा besides this there is one more concept that is called homeschooling. And homeschooling concept started in 1970s when this John Holt and Dorothy and Raymond Murray, all these, they started criticizing the present education system and they started talking about the reform in the education system. Then since then the people started thinking of homeschooling. क्योंकि कई बार उनको ऐसा होता है कि जो आस पास के स्कूल होते हैं उनमें उनको वो चीज नहीं मिलती है जो अपने बच्चों के लिए चाहते हैं. कई बार उनका होता है कि स्कूल बिलीफ सिस्टम से टकरा रहा होता है, कई बार और दूसरी परेशानियां होती हैं, तो इसके लिए वो प्रेफर करते हैं कि वो होम स्कूलिंग ही करें. और यूएसए में खासतौर से 2 मिलियन बच्चे जो है वो होम स्कूल्ड हो चुके हैं होम स्कूलिंग के जरिए, जिसमें कि बच्चा घर में ही होता है. इसमें तो फिर स्कूल से कोई कनेक्शन भी नहीं होता है, इसमें बच्चा अपने घर पे रह करके माँ बाप ही पूरी जिम्मेदारी लेते हैं उसको पढ़ाने की, और माँ बाप ही उसे ग्रेजुअली उसके एज के हिसाब से एज अप्रोप्रिएट कंटेंट लेकर के और उसको घर में सिखाते हैं, और उसकी जो चीजें स्कूल में कराई जाती है वो घर में कराते हैं. अब ये तो बातें रही उनकी जो कि स्पेशली खास तौर से पेरेंट ओरिएंटेड स्कूल्स का जो एक कॉन्सेप्ट चल रहा था इससे पहले, लॉकडाउन से पहले. लेकिन जहाँ पे कि इस तरह का मखसूस स्कूल की बात नहीं हो रही थी, वहां भी जो दूसरे स्कूल चले थे रेगुलर नॉर्मल स्कूल्स, वहां पे भी ये बात बहुत ज्यादा एम्फेसिस डाला जा रहा था कि पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट स्कूल में बहुत ज्यादा हो. सो फॉर दैट रीजन नॉट ओनली पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट इन द एक्टिविटीज बट पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट एट पॉलिसी मेकिंग लेवल एंड एट डिसीजन टेकिंग लेवल. तो उसमें भी पेरेंट्स को, तो पेरेंट्स के लिए एक बाकायदा पेरेंट्स फोरम बना, फिर पेरेंट्स को के लिए मीटिंग्स हुई, फिर उसमें चुनिंदा पेरेंट्स आते थे, वो उसमें फिर स्कूल की पॉलिसीज में अपने आइडियाज देते थे, अपने थॉट्स देते थे, उनको एक्सेप्ट भी किया जाता था. एंड बिसाइड्स दिस द पेरेंट्स यूज टू कम टू पार्टिसिपेट इन द एक्टिविटीज एज वेल, जिसको हम कहते हैं पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट एक्टिविटीज. तो उसके उसके लिए जानबूझ करके कुछ ऐसे कॉम्पिटिशन्स रखे जाते थे, कुछ ऐसी चीजें स्कूल में रखी जाती थी जिसमें कि पेरेंट्स अपने बच्चों के खातिर आए और वो उसमें पार्टिसिपेट करें. एंड द चाइल्ड शुड नॉट थिंक दैट स्कूल इज अ प्लेस वेयर ओनली द चिल्ड्रन कम एंड दे लर्न एंड पेरेंट्स आर एंजॉयिंग एट होम, बट द चाइल्ड विल हैव द कॉन्सेप्ट दैट दिस प्लेस इज अ प्लेस वेयर एवरीबडी द एंटायर फैमिली गेट्स बेनिफिटेड बाय दिस प्लेस एंड दे ऑल्सो पार्टिसिपेट इन द एक्टिविटीज. Then for that reason, teachers and parents collaboration was emphasized. कि जो भी टीचर काम दे बच्चों को, जो भी प्रोजेक्ट दे, वो पेरेंट्स के कोलैबोरेशन से हो, दोनों की मीटिंग्स हो, उनको समझाया जाए, अच्छी तरह से बताया जाए कि क्या क्या काम उनको घर पे कराना है और क्या क्या काम टीचर स्कूल में करेंगी. तो इस तरह के जो है ना ये सभी कॉन्सेप्ट जो है वो स्कूल्स में ऑलरेडी चल रहे थे, जिसके लिए पेरेंट्स और टीचर के रिलेशनशिप की बातें बहुत हो रही थी कि दोनों का रिलेशनशिप आपस में बहुत मजबूत होना चाहिए, क्योंकि जो टीचर चाहती है वो पेरेंट्स तक बात पहुंचे और फिर दोनों मिल करके अपने तालमेल के साथ, अच्छे तालमेल के साथ वो बच्चों की सही तरबियत कर सकें. अब इन सब के दौरान एक जैसे 2020 आया वैसे एक वबा आ गई. तो जहां हम एक तरफ पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट की बात कर रहे थे और बात हो रही थी और पेरेंट्स इन्वॉल्व भी थे, वहीं पे दूसरी तरफ एक और जो बहुत ज्यादा एम्फेसिस डाला जा रहा था वो टेक्नोलॉजी पे डाला जा रहा था.
कि हमारे क्लासरूम जो है वो स्मार्ट क्लास होने चाहिए, जिसमें के टेक्नोलॉजी बेस्ड एजुकेशन हो और जहां टीचर एज ए फैसिलिटेटर हो, जहां पे क्लास के अंदर ही स्मार्ट बोर्ड्स हो, जहां पे क्लास के अंदर ही बच्चों के पास टैबलेट्स हो, जहां बच्चों के पास सारी और दूसरी सुविधाएं हो, जिससे कि बच्चे जो प्रोजेक्ट करना चाहते हैं वो वहीं के वहीं उनके पास नेट कनेक्शन भी मौजूद हो, ताकि वो वहीं के वहीं कर सके। और उनकी टीचिंग टेक्नोलॉजी ने समझ लीजिए 50-60% जो है वो टेक्नोलॉजी ने ऑलरेडी कैप्चर कर लिया था क्लासरूम टीचिंग मेथोडोलॉजीज को और पेडागोजीज को। तो अब जो ये लॉकडाउन यहाँ आया 2020 में, और जिसकी वजह से अचानक पूरी दुनिया शटडाउन हो गई, अचानक लोगों का बाहर निकलना बंद हो गया, अब ऐसे में जाहिर सी बात है कि वी कैन नॉट स्टॉप द लर्निंग ऑफ द चाइल्ड, क्योंकि बच्चा जो है उसका फिजिकल ग्रोथ तो अपनी जगह हो रहा है, उसका इमोशनल ग्रोथ अपनी जगह हो रहा है, उसका और उसके सारे ग्रोथ अपनी जगह पे हो ही रहे हैं, तो फिर हम उसके जो कॉग्निटिव ग्रोथ के लिए उसकी टीचिंग और लर्निंग जरूरी है, हम उसको क्यों स्टॉप कर दें। तो जाहिर सी बात है ये कोई अकलमंदी का फैसला नहीं होता अगर टीचिंग लर्निंग स्टॉप कर दी जाती। तो इसके लिए फिर ये हुआ कि जो हमारा एक तरफ था पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट का कॉन्सेप्ट और दूसरी तरफ टेक्नोलॉजी बेस्ड एजुकेशन का कॉन्सेप्ट, इन दोनों को मिला करके फिर एक तरीक़ाकार निकाला गया, और वो तरीक़ाकार कहलाया कि जिसमें बच्चा रिमोट लर्निंग करेगा, घर पे लर्निंग करेगा और टेक्नोलॉजी के थ्रू तक एजुकेशन पहुंचाई जाएगी। और इस लर्निंग को करने में हर किसी ने अपना अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया, यहाँ तक कि जो सबसे ज्यादा हम समझते हैं they used to hug the teacher, they used to touch the teacher, they used to give two small small things to the teacher and feel very happy. So these things are not there. So these are human touch. This human touch is very very important. So because of this, the small kids they are not able to take like this technology effectively. So here the parents' role plays very important role. यहाँ पे जो माँ बाप हैं वो एज ए को टीचर यहाँ पे अपने आप को प्रेजेंट करेंगे, क्योंकि यहाँ उनको सबसे पहले ना सिर्फ ये कि बच्चे की काउंसलिंग करनी है, बच्चे को समझाना है कि अब चूंकि जमाने सूरत हाल ऐसी है कि बच्चा नहीं जा सकता है स्कूल, तो अभी उसको इस सूरत हाल में इसी मीडियम के जरिए उसे पढ़ाई करना है। तो सबसे पहले एक तो एटीट्यूड में चेंज आना जरूरी है घर के सभी अफराद के अंदर, कि अब ये जो पढ़ाई है ये हमारे घर का एक अटूट हिस्सा हो गया है। अब अगर कोई टीवी ज्यादा देखता था या किसी को शौक था मैच देखने का, किसी को शौक था मूवी देखने का, किसी को शौक था सीरियल देखने का, किसी को शौक था आपस में जोर जोर से बातें करने का, किसी को शौक था हल्ला गुल्ला करने का घर के अंदर, किसी को शौक था रिश्तेदारों को बुला करके और जमघटे लगाने का, तो अब इन सब में हमें थोड़ा सा तब्दीली लाने की इससे जरूरत है, क्योंकि ये जमाने की जरूरत है और बच्चे की एजुकेशन के लिए हमें ये सब सेक्रीफाइस करना होगा। तो सबसे पहले हमें पूरे घर में एक ऐसा माहौल बनाना है कि जिसको हम कह सकते हैं कि स्कूल अवे फ्रॉम स्कूल। स्कूल तो अपनी जगह पे है, उसकी बिल्डिंग तो बेचारी खाली पड़ी हुई है, तो आपको लेकिन अपने घर में उस स्कूल का एक माहौल क्रिएट करना है और वहां पे पेरेंट को एज ए को टीचर अपना रोल प्ले करना है। तो पहले तो एक एम्बियंस पूरा सेट हो, बच्चे के बैठने के लिए एक जगह फिक्स हो, बच्चे के लिए जहाँ पे बच्चा बैठे उसके बैकग्राउंड में उसको देखा जाए कि क्या क्या चीजें हैं, कैसे हैं। कई बार कई लोग क्लासेस ले रहे होते हैं, क्योंकि मैंने भी बराह रास्त क्लासेस ली है कई सारी, तो मैंने ये एक्सपीरियंस किया है कि वो पेरेंट्स इसको क्या करते हाथ में मोबाइल लिए रहते हैं, बच्चा उनके कंधे पे झूल रहा होता है, बिस्तर पे लेट रहे होते हैं, कभी वो हाफ कपड़े पहने होते हैं, कभी नहीं पहने होते हैं। तो वी हैव टू टेक केयर ऑफ ऑल दिस थिंग्स, वी हैव टू गिव अ लाइक सीरियस ओवरऑल सीरियस एम्बियंस वेयर द चाइल्ड इज गोइंग टू लर्न। तो उसके लिए प्रॉपर एक सीटिंग का अरेंजमेंट हो, वहां पे प्रॉपर एक जो उसका बैकग्राउंड हो वो कैसा है वो हो, और बच्चे की जहन साजी करना, उसको बताना कि अब हम पढ़ाई ऐसे ही करने वाले हैं जब तक के हालात बदल नहीं जाते हैं। So this attitude, change in the attitude will be done only by the parents. No one else can do. If parents will be all the time criticizing in the home कि ये क्या है, नया तमाशा लगा दिया है, ये क्या है, इससे क्या हो रहा है, बच्चा क्या सीख रहा है, अगर वो अगर ऐसा करेंगे तो फिर जाहिर सी बात है कि बच्चा नहीं सीख पाएगा। So here the parent has to play very important role. First of all, attitude changing, and then after that, the parent has to spare some time. They have to sit with the child. क्योंकि अभी बीच में कभी भी कोई प्रोग्राम चल रहा है, क्लासेस चल रही है, कुछ भी हो सकता है, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ सकती है, कुछ भी इशू हो सकता है, ऐसे में बच्चा अपने को बिल्कुल हेल्पलेस फील करता है, और जब बच्चा हेल्पलेस फील करता है तो फिर नेक्स्ट टाइम वो दोबारा उस क्लास में अटेंड करने से वो घबराएगा। देन ही विल थिंक दैट ही इज लेस, ही हैज लेस एबिलिटी देन हिज क्लासमेट्स, देन ही विल फील इनफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स एंड देन ही विल नॉट रीजॉइन द क्लास।
सो टू अवॉइड दिस टाइप ऑफ सिचुएशन व्हाट ही हैज टू डू इज द पेरेंट जैसे कोई एक अपने आप को फ्री करके बच्चे के साथ वहां पे बैठे स्पेशली व्हेन द क्लासेस आर गोइंग ऑन फॉर द जूनियर क्लासेस. उसके बाद वो क्लासेस में बसा औकात क्या होता है कि बच्चे नहीं समझ पाते हैं क्योंकि एक गैप होता है बीच में मीडियम का गैप. टीचर जो बोलती है और बच्चा जो बोलता है तो जो आवाज पहुंचती है बच्चे तक वो जिस मीडियम के जरिए पहुंचती है तो बसा औकात बच्चे को समझ में नहीं भी आती है क्योंकि कई बार नेटवर्क भी कम वीक होते हैं. तो ऐसे में एक वालदैन को चाहिए कि वो चूंकि बड़े हैं उनकी समझ ज्यादा है वो तो लिप मूवमेंट से भी समझ सकते हैं कि एक टीचर क्या कहना चाह रही है. स्पेशली जब कोई रिक्वायरमेंट होती है कोई चीज देना है कोई होमवर्क करना है कुछ बना के लाना है किसी तरह का असाइनमेंट है तो इस तरह की चीजें जो है वो पेरेंट्स ध्यान से खुद उनके साथ बैठ करके और उसको आप नोट डाउन कर सकते हैं और बच्चे को वो फैसिलिटेट कर सकते हैं ताकि बच्चे को किसी तरह की अगले दिन जब वो क्लास में जाए तो उसी किसी तरह की शर्मिंदगी ना हो कि सभी बच्चे तो करके लाए हैं और हम क्यों नहीं करके लाए हैं. एक और जो बच्चों के अंदर तब्दीली आई है वो ये जहाँ के पेरेंट्स को इसमें भी एक रोल प्ले करना है वो ये कि बच्चे पहले आउटडोर जाते थे. They were playing outside. They were enjoying outside. They were mingling with the friends. They were mingling with the peer group. Now suddenly they are shut in the house. Suddenly they are not going outside. So, इससे क्या इफेक्ट हुआ है? Although they are trying to cope up with the situation, ऐसा नहीं है कि वो सिचुएशन से कोप अप नहीं कर रहे हैं. लेकिन जो सबसे बड़ी चीज हुई है इरिटेशन के साथ साथ. इरिटेशन तो है ही अपनी जगह क्योंकि वो इरिटेटेड फील कर रहे हैं बार बार. So they have become quieter than before. So, इसमें पेरेंट्स को भी इस तरफ भी ध्यान देना है कि उनकी हौसला अफजाई करते रहे उनको बार बार ऐसे मौके दें जिसमें कि उनसे इंटरेक्शन होता रहे उनके साथ बातचीत चलती रहे. और फिर इस ऐसे में जो क्लासरूम्स हो रही हैं आई शुड से दैट दीज आर लाइक ए ब्लेसिंग फ्रॉम ऑलमाइटी क्योंकि अगर ये क्लासरूम्स भी ना होते इस वक्त और बच्चे इस तरह से घर में बंद होते तो आप खुद सोच लीजिए कि वो और कितने क्वाइट हो जाते वो और कितने लोनली हो जाते वो और कितने इमोशनल सदमे में चले जाते. तो ये क्लासेस जो है वो बहुत गनीमत है और सॉर्ट ऑफ ब्लेसिंग्स हैं जिसमें पेरेंट्स को वहां पे पूरा पूरा अपना रोल अदा करने की जरूरत है ताकि इन क्लासेस को वो इफेक्टिवली ले सके और बच्चों को भी उसमें इफेक्टिव बना सके. अब आपको मैं थोड़ी सी ये ग्लिम्स बता दूं कि जो टीचर्स क्लासेस लेते हैं एक सर्वे हुआ था उसमें ये बताया गया कि 97% पेरेंट्स ने ये महसूस किया कि जो टीचर्स पढ़ाती है उनको उनकी मेहनत के हिसाब से अप्रिसिएशन नहीं दिया जा रहा है क्योंकि जब उन्होंने घर में रह के देखा अपने बच्चे के साथ देखा जब उन्होंने ऑनलाइन टीचिंग को देखा तो उन्होंने ये महसूस किया कि कितना ज्यादा इसमें मेहनत दरकार होती है और कितनी मेहनत के बाद ही एक बच्चे को पढ़ाया जाता है. एक टीचर रात के 8:30 बजे जब मैंने फोन किया तो उसको पूछा कि तुम क्या कर रही हो तो उस टीचर ने बताया कि अभी मैं पेरेंट्स को SMS भेज रही हूँ अभी मैं पेरेंट्स को मैसेज भेज रही हूँ 8:30 बजे रात में क्योंकि सुबह से लेकर के 6 घंटे तक क्लासेस होती है उसके बाद 6 घंटे की क्लासेस के बाद फिर मीटिंग होती है डिस्कशन मीटिंग होती है जस्ट फीडबैक लेने के लिए कि हाउ वाज द क्लास वेदर इट वाज इफेक्टिव और इट वाज नॉट इफेक्टिव. उसके बाद फिर मीटिंग्स के बाद फिर नेक्स्ट डे की तैयारी होती है क्योंकि ऑनलाइन टीचिंग में द टीचर हैज टू प्रिपेयर अलॉट. A teacher has to because in the classroom, so he himself or she herself is present there as teaching learning material. She has hands, she has gestures, she has mind to think immediately and then do some actions and then teach in the class. But here online teaching, she has to prepare the PowerPoint presentations. She has to prepare the, she has to submit the videos or she has to prepare the videos. Then she has to do the assignments, projects. And there are so many things she has to prepare. So for one class, the teacher takes at least 2 to 3 hours. And then if the teacher has 3-4 classes, we all can calculate. And we all can imagine that how much the teacher is spending the time. So that's why the parents realize that this responsibility of online teaching is very great. So here, if the parents are not supporting, if the parents are sitting in the class just to see and find faults and criticize, that I'm sorry to say that this is not the way of parenting. This is not shouldering the responsibility. This is not sharing the responsibility of being co-teacher. No. Then in that case, the parent are not a co-teacher. The parent are spoiling the future of their own children. Because if in front of the children, you are criticizing the teacher, then naturally the child is going to lose the respect of the teacher.
The child is not going to listen to the teacher. The child is not going to follow the instructions of the teacher. The child will always have the notion in the mind that this teacher has very less knowledge. The teacher is not competent enough. The teacher is not capable enough. My father told me that your teacher has made this mistake or that mistake. So please, we have to keep in mind if there is any error, because I know that we all are human beings. And if we are human beings, then naturally we make mistakes. To us is human. So that's why if there is any mistake you found, please you send private message to the teacher and you talk to the teacher in private, not in front of the child or in front of the public. So the school was not only a place for the teaching learning, the school was for the socialization, the school was for the upbringing, the school was for the competition, the school was for the enjoyment, and these type of things are taken away from the children, but we can try our level best to bring that atmosphere in the house. How we can do? Like in the house only, we can early morning, we can start the classes with exercises, physical exercises. So, okay, come on children, let's do the morning exercises. So, फिर हम हैप्पी फिटनेस बाइट से शुरू करें, म्यूजिक ऑन कर दिया, बच्चों को उसके थोड़ा सा एक्सरसाइज करने को दिया. देन आफ्टर दैट वी कैन ऑलवेज गिव देम सम एक्टिविटीज टू डू एट होम. And then we bring them in the class, and on the Zoom only or on the whatever method we are using, whatever apps we are using, through that they can show that activity. And if in this way we are involving, and without parental support they cannot do any activity. Naturally the parents have to be there throughout with the child, from starting the class, from switching on the same as it was before. Now you see how the people have developed different types of methodologies, different types of effectiveness, how to make their lessons more effective. And in this way they are going to do more and more to make the teaching learning more effective. Yesterday one teacher sent me that what the teachers are doing nowadays. So there is a long list. The teachers are spending their own money, although they are not paid. Some of the schools have not paid the salary at all. In some schools they have got half salary. In some school they are removed, they are asked to go away. There is no place, because online classes they can manage with the limited number of teachers. Still those who are working, they are spending money. They are, some of them have bought the laptops, new laptops. They are spending more money on the internet connectivities. They are spending more money on bringing the materials inside the house so that they can make the effective classroom teaching. Then some of them are spending hours and hours in preparation, neglecting their family because they cannot switch on their TV while they are teaching. There has to be silence in the house. So in this way, the teachers are doing a lot. So my dear parents, my humble request to all the parents is that just try to understand the situation. And please, please, you be a co-teacher here. This is the need of the hour. Without parental support, without parents' help, the teachers, all the efforts will go in vain. If we want their efforts to be successful, if we want our children to learn effectively, then naturally parents have to extend their helping hand, then only it's possible. So I think I was given this much time, and then 15 minutes was given for the question answers. So I end here, and I thank all the viewers and all the participants who are here. And thank you very much for being with me. And if you have any questions, you can ask. Thank you very much.